किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है, संतों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है हिंदू समाज का मान मर्दन करना, अपमान करना, तो ये बात उसको समझ लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है, उसने पहले FIR लिखाई झूठी और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू कराई और संतों को धमकवाने का काम करता है, तो उसको शौक सिखाना का काम जरूरी है हमारा। कोई भी आतताई हुआ है, कोई भी शासक हुआ है, तो संतों ने उस शासक को, आतताई शासक को सबक सिखाया है, तो ये आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आतताई शासक हो गया है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी उससे पहले इसने FIR कराई, उससे इससे पहले इसका कराने का कोई मतलब नहीं है। FIR हो तो होनी नहीं चाहिए थी, अगर FIR होनी चाहिए थी तो जो हिंदुओं की हत्या करने की रोज बात करते हैं, जिन्होंने देहरादून का पुलिस का हेड ऑफिस घेर लिया और जो है पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का साथ है, तो फिर तुमको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और उत्तराखंड छोड़कर चले जाओ। तुम अपने को देवभूमि का कहते हो, हमको तो शक होता है कि तुम देवभूमि के नहीं हो, तुम किसी नरक भूमि से आए हुए मुख्यमंत्री हो, इनको शर्म आनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को।